सिकंदर भाई इस्लामाबाद में? अरे नहीं, क्यों? तो फिर तुम उनको मॉम से मिलवा क्यों नहीं रही हो? किस सिलसिले में? हमारी शादी की बात करने के लिए। अरे वो सॉरी, भूल गई। कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम भूल जाओ। तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? और देर क्यों करें? मेरा मतलब है, स्टडीज तो कंप्लीट हो जाने दो। सारा हमारा फाइनल सेमेस्टर है, स्टडीज तो कंप्लीट हो ही जाएंगी। हाँ, पर जॉब भी तो करनी है ना। देखो, अगर तुम शादी के बाद जॉब करना चाहती हो तो मेरा कोई एतराज नहीं है उस पर। शादी के बाद कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी? फिर तो हम हाउसवाइफ्स ही बनकर रह जाते हैं। तो तुम अभी शादी ही नहीं करना चाहती? बोलो। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो अभी नहीं। माइंड किया तुमने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी फेस एक्सप्रेशन से तो यही लग रहा है। अब दरअसल मैं अपना माइंड बना चुका था, मॉम ने भी तैयारियां की भी हैं। उनको मेरी तरफ से सॉरी बोल दो। ओके, चलो क्लास में चलते हैं। चलो मैं आता हूँ। जल्दी आना। हाय आशु, उदास हो? हाँ, उसे मुझे डिफेंड करना चाहिए था, आंटी के सामने, उस लड़की के सामने। तो तुम्हें गुस्सा है कि उसने ऐसा नहीं किया? हाँ, गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। होना भी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पता नहीं क्या करता। क्या करते? शायान को छोड़ देता। मैं ये भी तो नहीं कर सकती, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ शायान से, और शायान ने कुछ दिन की मोहलत मांगी है मुझसे। मैंने उसे कहा है कि आंटी को मेरे घर पे लेकर आए। और तुम्हारा क्या ख्याल है, वो लेकर आएगा? आना होगा। जिसकी माँ तुम्हें इतना बुरा भला कह चुकी है, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए आएगी, और वो भी तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए? सच से कि अगर वो ना आई तो मुझे शायान से अलग होना होगा। यानी अपनी बीवी के हाथों तुमने मेरी बेटी की बेइज्जती होने दी? आंटी, आप समझने की कोशिश करें, मैं उस वक्त बेबस था। लेकिन मैं बेबस नहीं। अब तुम्हें आयशा से शादी करनी होगी, और वो भी जल्द से जल्द, चाहे तुम्हारे घर वाले माने या ना माने। वरना वरना क्या? वरना तुम्हें कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को मजीद तकलीफ में नहीं देख सकती, ये बात सुन लो तुम। मुनाल जी, खाना लग चुका है, तुम खाने पर क्यों नहीं आ रही हो? भूख नहीं है मुझे। नाराज हो ना मुझसे? किस बात पर? मैंने तुम्हारा कॉलेज जाना जो बंद कर दिया है। इस बात का दुख नहीं है मुझे। अच्छा, मुझे एक बात तो बताओ कि तुम हसन से मिली क्यों थी? वक्त आने पर आपको बता दूंगी। अभी क्यों नहीं? क्योंकि हसन की तरह मेरी भी किसी बात का यकीन नहीं करेंगी। क्या हो गया इस लड़की को?
तरह की बातें क्यों कर रही है? खामखा पहेलियां भिजवा रही है मुझे। हसी जी बेटा, आज तुम दफ्तर नहीं जाओ, वो लड़की वाले आ रहे हैं ना। मैंने याद है तुम्हें एक तस्वीर दिखाई थी, भाई उन लोगों का आना भी बनता है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर तो ऑफिस लाजमी जाना पड़ेगा। क्या मतलब है लाजमी जाना पड़ेगा? मायदा, तुमने इसको समझाया नहीं था? मैंने बात की थी अमीन से। अरे क्या खाक बात की थी, वैसे तो तुम्हारी ये कोई बात नहीं टालता, अब रोको ना इसे। हसीब मत चाइना। मायदा तुम भी प्लीज मत जाए। अच्छा नहीं जा रहा। ओहो, क्या जादू चलता है तुम्हारा, मुझसे तो कभी नहीं हो सका ये।